नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें, इसके बारे में काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, उसके बारे में आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। कहता है कि लोगों को कंटिन्यूस नकारात्मक विचार आते रहते, निगेटिव थाट्स, और लोग बोलते बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा विचार कंटिन्यूस नॉन स्टॉप विचार आते हैं, चिंता आती है, नर्वसनेस है, डिप्रेशन है, उसके लिए करे क्या, तो उसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, हिस्ट्री ऐसी बताती है कि भाई 75 लाख साल से आदमी का मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, हम 75 लाख साल से है ह्यूमन बींग, और वो ग्रो होते आ रहा है, इवोल्यूशन होते जा रहा है। आज हम जहाँ हैं उसको 75 लाख साल लग गए, जानवरों से हम बने, अमीबा से बने, तो हमारा वायरिंग ही पहले बचपन से ही नकारात्मक किया गया है। मतलब मेरे माँ बाप निगेटिव सोचने वाले थे इसलिए मैं सोचने वाला हो गया निगेटिव, मेरे माँ बाप के माँ बाप निगेटिव सोचने वाले थे इसलिए वो हो गए, और उनके माँ बाप थे वैसे, वातावरण भी ऐसे ही था, तो बचपन से निगेटिव थिंकिंग ही हमको सिखाया गया और वो एक कल्चर ऐसा बन गया और वो एक प्रोग्रामिंग वायरिंग ब्रेन का हो गया है निगेटिव थिंकिंग का, और वो होता ही रहता है ऑटोमेटिक। 60,000 थॉट्स अप्रॉक्सीमेटली रोज हमारे दिमाग में आते हैं और वो ऑटोमेटिक है, और उसमें से ज़्यादातर थॉट्स निगेटिव ही है। एक तो क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में चिंता है, कैसा होगा, क्या होगा, बहुत चिंता करते रहते हैं, चालू विचार। बच्चा बेटा अपना लेट आ गया, बेटी लेट आ गई घर में शाम को, तो हम सोचेंगे अरे क्या हो गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, पति घर पे लेट आ गया तो क्या हो गया, मतलब चालू हो जाता है, गाड़ी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक्सीडेंट होगा, कंटिन्यूस निगेटिव। और नहीं तो हम पास के बारे में सोचेंगे तो उससे फिर डिप्रेशन आता है, ऐसा करना चाहता, ऐसा नहीं किया, चालू हो जाता है कंटिन्यूसली। और फिर 95-99% थॉट्स आप समझ के चलो कि निगेटिव है। अभी हम ऐसा क्या करें कि जो ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स है उसको ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि बचपन से मुझे एक मजाक के तौर पे बोलता हूँ, एक जोक करके, मतलब डोंट टेक इट सीरियसली, कि भाई हमको नकारात्मक नो सुनने की आदत कब से लग गई है, नकारात्मक जब हम पैदा हो गए। कल्पना करो, एक जोक के तौर पर लोए कि कल्पना करो कि आपका जब जन्म हुआ माँ के कोख से, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो चिल्लाता है ट्याओ, वो चिल्लाता है, और वो चिल्लाने के लिए उसके पीठ के ऊपर थप्पड़ मारे जाती है कि भाई वो उसने चिल्लाना चाहिए, सांस लेना चाहिए, और सांस लेता पहला तो चिल्लाना चालू कर देता है, और फिर वो रोता है तो नर्स हाथ में लेती है उसको और बोलते नो, रोने का नहीं, ऐसा मतलब जन्म के बाद में पहला वर्ड कभी आपने सुना होगा तो वो नो सुना है, पहले से नो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा कंटिन्यूसली। अभी हमको ये पॉजिटिव कैसे करना है, तो हम पॉजिटिव बनेंगे तो हमारे बच्चे भी पॉजिटिव बनेंगे, ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स हम लाएंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये निगेटिव बनते कैसे है, ये तो हम ही बना दे, मतलब माँ बाप से तो सीख लिया, और उसके बाद में फिर हमारी परवरिश ऐसी हो रही कि और निगेटिव बन जाते हैं, और हम भी खुद उसमें तेल डालते हैं, नमक मिर्ची डालते हैं। एक तो क्या है, हम डिस्टॉर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन मतलब तोड़ मरोड़ के लेते हैं। समझो अभी मैं इधर से जा रहा हूँ, सामने से कोई आ रहा है, मैंने नमस्ते किया, उसने नमस्ते नहीं किया, इतने हुआ, बोले देखो आजकल है ना ज़्यादा इगोइस्टिक बन गया है, मैंने नमस्ते किया, उसने नमस्ते किया ही नहीं, निगेटिव थाट। हालांकि वो अपने ख्यालों में बिजी था, वो अपने इसमें था, और इसलिए उसका ख्याल भी नहीं था कि मैंने नमस्ते किया। तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं, सुनने के समय भी डिस्टॉर्ट कर लेंगे, देखने के समय डिस्टॉर्ट कर लेंगे, और जैसा हो रहा है वैसा उसको देखेंगे, निगेटिव ही देखेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जनरलाइज करेंगे और निगेटिविटी बढ़ाएंगे। आज मेरी बीवी उठ के उसने मुझे खाना गर्म नहीं खिलाया, इतने हुआ, मैं कल देखो ये हरदम ही ऐसा करती है और मुझे निगलेक्ट करती है। अब ये किसने बताया, हरदम ही ऐसा करती है, एक बार किया, तो हम क्या करते, जनरलाइजेशन करते। तीसरा, हम क्या करते हैं, इच्छा नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारा करते रहते हैं, उससे निगेटिविटी बढ़ती है। जैसा मैंने ऐसा करना ही चाहिए, मुझे करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए था। जब ऐसे शब्द उच्चारते हम, इसका ही मतलब यह है कि हमारी इच्छा नहीं थी और वो ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, और निगेटिविटी बढ़ने का और एक कारण होता है। तो पहला हो गया डिस्टॉर्शन, दूसरा हो गया जनरलाइजेशन, तीसरा हो गया ये ज़बरदस्ती के शब्द डालना और मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है ऐसा बोलना,
चौथा हो गया कि भावनाओं के अंतर्गत हम निर्णय लेते हैं और वो भी फिर निगेटिव होते हैं कि निगेटिव भावना है उस समय निर्णय लेने नहीं लेना चाहिए। बहुत निगेटिविटी आ गई, डिप्रेशन है, टेंशन है, चिंता है, तो बस चुप रहना चाहिए। हम क्या कहते हैं उसमें सोचना 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 कंटिन्यू रखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ती जाती है। भावना मतलब भावनाओं से जब पूरे एनगल्फ हो रहे थे भावनाओं ने अपने को जकड़ लिया है, सब निगेटिविटी आ जाएंगी ज़्यादा। तो ये हो गया चौथा। पांचवा है कि जो भी कुछ हो गया वो खुद पर लेते हैं, और मैं ऐसा होता है, मतलब मैंने कैसा एग्जांपल देता हूँ आपको कि मुझे एक काम करना था, उसमें मुझे असफलता आई, अपयश आ गया, वो काम नहीं कर सका, तो वो काम नहीं कर सका ना, मैं असफलता उसमें आई ना, मैं क्या बोलता हूँ, मैं खराब हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, मुझे ये जमा नहीं, इसका मतलब मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। अभी मैंने क्या किया, यह सब पर्सनल ले लिया, और फिर मेरी निगेटिविटी बढ़ाते रहता है, तो खुद पर लेते हैं। तो फिर मैंने आपको पांच गिना है, नंबर एक डिस्टॉर्शन करते हैं, नंबर दो जनरलाइजेशन करते हैं, नंबर तीन करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, मतलब आई शुड डू दिस, आई मस्ट डू दैट, ये ऐसा होता है। नंबर चार भावनाओं के अंदर निर्णय लेना, नंबर पाँच खुद पर लेना, सेल्फ रेफरेंशियल हरदम। तो इसके लिए करें क्या, हमको पॉजिटिविटी लाना है तो करें क्या, तो वो बताता हूँ। नंबर एक, रेगुलर सेल्फ हिप्नोसिस करो। सेल्फ हिप्नोसिस आप जब करते हैं बहुत रिलैक्सेशन, बहुत अच्छा लगता है। मेरे काफ़ी सारे सेल्फ हिप्नोसिस के प्रोग्राम्स हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म सिखाता हूँ मैं, और उससे बहुत अच्छा आपको माइंड को, बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा और बहुत पॉजिटिविटी अंदर आएगी जब आप सेल्फ हिप्नोसिस करेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे, उसमें तो बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, नंबर एक। नंबर दो, आप जर्नल राइटिंग लिखो, मतलब आप दिन भर जो भी कुछ हुआ है एक डायरी में लिखो कि आज क्या मैंने करना चाहिए था, क्या सोचना चाहिए था, कहाँ कहाँ निगेटिविटी आ गई, मैंने कहाँ कहाँ निगेटिविटी डाला उसमें, मैं कैसा जिम्मेदार हूँ, और वहाँ मैं पॉजिटिविटी कैसे डाल सकता हूँ। इतना हमारा निगेटिविटी बढ़ा है ना दिन भर कि हम, आप कोई भी मतलब टीवी चालू करो ना तो उसके ऊपर निगेटिव खबर आएंगी ज़्यादातर। आप अखबार पढ़ेंगे ना, कोई भी पन्ना निकालो सब नेगेटिव खबरें रहेंगी, कंटिन्यूस हैमरिंग नेगेटिविटी का हो रहा है। हम देखो कि मैंने कहाँ कहाँ पॉजिटिविटी किया, लिखो डायरी में कहाँ कहाँ नेगेटिविटी को मैं एक्सपोज हुआ और मैं कैसा डाल सकता था। नंबर तीन, खुद को पूछो कि इसको सबूत क्या है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने जो सोचा कि भाई मेरा दोस्त सामने से आकर उसने मुझे हेलो नहीं किया या नमस्ते नहीं किया, इसका मतलब मुझे वो टाल रहा है, इसको क्या सबूत है, व्हाट इज द एविडेंस, प्रूफ क्या है प्रूफ। मैं अपनी स्टोरी बना ले रहा हूँ, अपने दिमाग में ही उसके अटकलें बांध रहा हूँ, तो उसको क्या सबूत है, क्या वो रैशनल है, वास्तविकता वो कुछ है, क्या लॉजिकल है, क्या है, क्या कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, खुद को सवाल करो। नंबर चार, विजुअलाइजेशन करो पॉजिटिविटी का, जब जब टाइम मिले तो निगेटिव के बदले आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, सकारात्मक चित्र देखो, सकारात्मक चित्र निर्माण करो, बार बार हैमरिंग करो। नंबर पाँच, जब जब निगेटिव थॉट आया उसको अलर्ट हो जाओ और बोलो अभी मैं ये थॉट को पॉजिटिव में कैसा कन्वर्ट कर सकता हूँ, और तुरंत पॉजिटिव थॉट का निर्माण करो। मैं तो एकदम बोलता हूँ कि एक निगेटिव थॉट आया तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको 11 पॉजिटिव थॉट डालने पड़ेंगे, 11, तो पॉजिटिव थॉट तैयार करो। जैसा मैं ये एग्ज़ाम में सफल नहीं हूँगा, ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सफल नहीं हूँगा, मतलब मैं एग्ज़ाम में सफल हूँगा और बहुत अच्छे मार्क कमाऊँगा, तुरंत पॉजिटिव तैयार करो उसका। नंबर छः, जगह बदलो। समझो आप एक जगह पर बैठे, निगेटिव थॉट आ रहे हैं, तुरंत वहाँ से उठो, वो काम बंद करो, नया कुछ तो भी काम चालू करो, हॉबी आपकी होंगी तो वो हॉबी परस्यू करो, किसको कॉल करो, किसको फ़ोन करो, आपके दोस्त को फ़ोन करो, काम बदल डालो, मतलब कुछ तो भी ऐसा करो कि जिससे वो जो लिंक लगी एक के पीछे एक निगेटिविटी, वो वहाँ ब्रेक हो जाएगी, और वहाँ से फिर वापस आ जाओ जगह पर और वो काम करना चालू करो। तो ऐसे ये 6 पॉइंट है, ये आप करते डेफिनेटली आपको निगेटिविटी से दूर होने की मदद होंगी, आपके निगेटिव थॉट्स कम होंगे, और फिर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, ज़्यादा सकारात्मक बनेंगे, तो उत्पादन क्षमता अच्छी हो जाएगी, मजा आएंगी, माइंड पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा, उत्साहित आनंदित रहेगा। फिर आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब लोग निगेटिव सोचते हैं, ऑटोमेटिक उनको फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।